हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीरोधा के बास्केट ऑर्डर के बारे में। दोस्तों बेसिकली बास्केट ऑर्डर है क्या और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों ये जो बास्केट ऑर्डर है अभी फ़िलहाल ये जीरोधा के काइट वेब टर्मिनल पर ही अवेलेबल है। अभी ये जीरोधा के काइट ऐप जो है उसमें अभी इनेबल नहीं हुआ है, तो ये जल्दी ही काइट ऐप पर भी जल्दी आने वाला है। तो हम इसे काइट वेब पे कैसे यूज़ कर सकते हैं आज हम उसे देखेंगे। दोस्तों ये बास्केट ऑर्डर हमें क्यों लगाना चाहिए और हमें इसके क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों बास्केट ऑर्डर से हम कई सारे मल्टीपल ऑर्डर्स, जो मल्टीपल टाइप के ऑर्डर हैं, उन्हें हम एक साथ लगा सकते हैं एक ही टाइम पे। तो हम उसे कैसे लगाएंगे ये हम वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो और जानकारियां मिलती रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों सबसे पहले हम जीरोधा के वेब टर्मिनल पर लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। सो गाइज ये हमने जीरोधा में लॉगिन कर लिया है। इसमें लॉगिन करने के लिए आपको ये ब्राउज़र में ओपन करना होगा और जो आपकी जीरोधा काइट की लॉगिन आईडी है आपको से उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस में वेब वाले इसमें जीरोधा के वेब टर्मिनल पे आ जाएंगे। यहाँ आप वाच लिस्ट में हैं और वाच लिस्ट में आने के बाद आपको ये जो आपको ऑर्डर वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो सिंबल है दोस्तों ये ऑर्डर्स का है, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस टैब से ये ओपन होगा। दोस्तों यहाँ ये आपको दिखा रहा है ये ऑर्डर्स, ये जीटीटी और ये बास्केट, तो इन दोनों के बारे में तो आप जानते ही हैं और हम आज बात करेंगे बास्केट के बारे में। तो हमें ये जो इस वाले पर हमें क्लिक करना है। बास्केट पर हम क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पूछता है क्रिएट बास्केट, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो दोस्तों जो भी आपको बास्केट बनानी है, दोस्तों जैसे कि बास्केट से हमें समझ आता है कोई टोकरी जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख रहे हैं, आप इस बास्केट में कई सारे ऑर्डर्स एक साथ लगा सकते हैं। आप कितने ऑर्डर्स लगा सकते हैं दोस्तों? आप 20 ऑर्डर्स एक बास्केट में लगा सकते हैं। एक बास्केट में आप 20 ऑर्डर्स लगा सकते हैं और आप एक क्लाइंट आईडी से 20 बास्केट बना सकते हैं, मतलब 20 बास्केट्स आप बना सकते हैं और 20 बास्केट्स में 20 स्टॉक्स या आप ऑर्डर्स में लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप काफ़ी एक साथ बास्केट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बास्केट यूज़ करके दिखाऊंगा। तो हम इसे सबसे पहले हम इसे क्रिएट बास्केट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट बास्केट में आपके क्लिक करने के बाद आपसे ये नाम पूछेगा, नेम पूछ रहा है। आप इसको एक कोई नाम दे सकते हैं, सपोज करो हम इसमें इंट्राडे नाम रख देते हैं इसका। इंट्राडे मैंने इंट्राडे कर दिया, उस पर हम क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखो इंट्राडे के नाम से ये बास्केट हमारा बन चुका है। अब इसमें ये कह रहा है कि नथिंग हेयर, यहाँ अभी कुछ नहीं है। सर्च बार नज़र आ रहा है, यहाँ से आप जाके कोई भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलो ऐड कर लेते हैं, हम मानते हैं इंडिगो को ऐड करते हैं। इंडिगो पर जाएंगे और हम पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं ऐसे ही, जैसे ही आप करेंगे तो इसमें ऑर्डर वाली विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ आपको सीधे ऑर्डर लगाना है। तो इसमें आपसे सेम पूछ रहा है आपको CNC लगाना है, MIS लगाना है। मैं आपको MIS लगा के दिखाता हूँ। मैंने MIS पे क्लिक कर लिया। आपको ये बाय पे लगाना है या सेल पे लगाना है, यहाँ आप इसे चेंज कर सकते हैं। अभी ये बाय पे है, अगर मैं इसे ऐसे आगे कोई कर देता हूँ तो ये सेल का आ गया है। मैं बाय पे ही लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट है, यहाँ आप ऑर्डर टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइप का आपको लगाना है, जैसे मार्केट या लिमिट। तो मैंने अभी मार्केट किया हुआ है और मैं नीचे की तरफ हो रहा था। यहाँ मोर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, मोर ऑप्शन में जाके आप अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो इससे भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ रेगुलर ही रहने देता हूँ, यहाँ इवन नंबर है। तो यहाँ जैसे मैं यहाँ आपको ऐड करना है, यहाँ आपको अपने हिसाब से क्वान्टिटी डाल लेनी है जितनी भी आप डालनी है। यहाँ मैं ऐड करूँगा तो दोस्तों देखो यहाँ ऐड हो चुका है, ये इंडिगो का मार्केट प्राइस पर MIS है, ठीक है। आप इसमें साथ में CNC भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप जिस टाइप का भी लगाना चाहें, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, सब टाइप के ऑर्डर आप लगा सकते हैं। और आपको अभी तो एक ही ऐड किया है, हम दूसरा भी ऐड कर लेते हैं। सपोज करो हम SBI ऐड करते हैं, तो यहाँ फिर दोबारा से सेम विंडो ओपन हो गया जो है। सपोज करो हम CNC लगाना है तो हम CNC भी लगा सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी प्राइस पर लगाना है तो हम यहाँ प्राइस डाल देना। अभी का जो प्राइस चल रहा है 202.7 चल रहा है, तो अगर हमें 200 पे हमें ख़रीदना है तो हम यहाँ 200 लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी आपको मोर का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अभी ऐड कर देता हूँ, यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। तो
तो दोस्तों ये देखिए यहाँ भी ये ऐड हो चुका है, ये यहाँ दिखा रहा है ये CNC है, ये लिमिट है। तो इस टाइप से आप किसी भी टाइप का ऑर्डर यहाँ लगा सकते हैं। मैंने मार्केट लिमिट और MIS CNC दोनों टाइप के ऐड करके आपको दिखा दिए हैं। और अगर आपको अब इस टाइप से आप 20 स्टॉक ऐड कर सकते हैं, इसमें दो सिलेक्ट करके आप 18 टाइप के और स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये आपकी एक बास्केट बन जाएगी, वन बास्केट में आप 20 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं और आप इस टाइप की 20 बास्केट एक क्लाइंट आईडी पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये पूरी बास्केट जब एग्जीक्यूट करेंगे आप, ये यहाँ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ से ये जितने भी स्टॉक इसमें होंगे वो एक साथ ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। बस इसमें ये है कि जो पहले नंबर पे स्टॉक होगा वो पहले आपका एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड नंबर पे दूसरा वाला होगा, ऐसे ही लगातार इस सीरियल टाइप होते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें टाइम बहुत कम लगता है, कुछ सेकेंड्स में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। बस ये है कि जो CL वाइज जो है उसके अकॉर्डिंग ही ये करता है दोस्तों। इसमें एक चीज़ जो देखिए आपको ये रिक्वायर्ड मार्जिन भी दिखा रहा है और फाइनल मार्जिन भी दिखा रहा है, ये दोनों ही बराबर हैं क्योंकि हमें इक्विटी में दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों ही बराबर। अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो ये कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। अभी हम ऑप्शंस की भी बात करने वाले हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से बास्केट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ आपको क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा एक आर यू श्योर कन्फर्म पूछ रहा है, तो यहाँ कर देना दोस्तों। अभी तो ऑफलाइन मार्केट है तो मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ आपको यस कर देना है। तो इस टाइप से ये लग जाएगा, ठीक है। और अगर फिर आपको ये पोजीशन में जाके देखना होगा कि ये ऑर्डर लग चुके हैं या पेंडिंग में, जैसे जो आप लिमिट पर लगाया तो वो पेंडिंग में होगा, और अगर वो मार्केट प्राइस पर तो सेम मार्केट प्राइस पर वो ऑर्डर लग जाएगा, ठीक। गाइज अगर आपको ये रिसेट करना है तो आप रिसेट वाले कॉलम पे ऐड कर सकते हैं, या आपको क्लोज़ करनी है बास्केट तो आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये बास्केट क्लोज़ हो जाएगी। तो हम इसे रिसेट पे करते हैं, रिसेट पे करके आप वहीं आ गए। आप यहाँ एडिट भी कर सकते हैं जो आपने स्टॉक्स लगाए हैं, आप इस पर प्रेस करेंगे SBI, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो उसमें आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये आपको बीच वाला चेंज वाला ऑप्शन आ रहा है, ये आपका डिलीट वाला आ रहा है, और यहाँ डुप्लीकेट का आ रहा है। यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सेम डुप्लीकेट ऑर्डर साथ में लगा सकते हैं। सपोज कर आपको सेम क्वांटिटी का दूसरा ऑर्डर लगाना है तो आपको नया ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बस आपको डुप्लीकेट पर क्लिक करना तो दूसरा डुप्लीकेट आपका नीचे आ जाएगा। हम करके देखते हैं, मैं डुप्लीकेट पर किया तो दोस्तों ये नीचे देखो डुप्लीकेट ऑर्डर सेम लग चुका है इस टाइप से। और एक चीज़ और है, अगर आपको ये जो इनका सीरियल है अगर आपको चेंज करना है तो आपको ये लॉन्ग प्रेस करना है और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अभी देखो सेकंड नंबर पे इंडिगो है, मैं अगर इंडिगो फर्स्ट नंबर पर लाना है तो मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूँगा, ऊपर की तरफ इसे खींच दूँगा तो ये वन नंबर पर आ जाएगा। आप इस तरीके से अपनी जो ये बास्केट है और इसमें जो स्टॉक्स हैं उनको आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम जानते हैं ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों सबसे ज़्यादा इस बास्केट का यूज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग में होता है, आप दोनों ही चीज़ एक साथ कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। तो इसमें जो क्या होता है, जो रिक्वायर मार्जिन होता है और जो फाइनल मार्जिन होता है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, और आप दोनों चीज़ें हैजिंग करके भी चल सकते हैं, जिससे आपको लॉस आपको कम होगा और आप अपनी स्ट्रेटजी को आप अलग अलग स्ट्रेटजी को एक साथ अपना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे बास्केट ऑर्डर पे आ चुके हैं, मैं क्रिएट बास्केट करता हूँ, यहाँ मैं ऑप्शंस डाल देता हूँ, ओनली मैंने क्रिएट कर दिया है। अभी यहाँ ये हमें ऐड करना है तो ऐड करता हूँ 22,500 का ये सी मैं ले लेता हूँ, और यहाँ ये बैंक पे है तो पर एक लॉट हो गया। मैं इसे मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ और नॉर्मल रखता हूँ, उसे ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं दूसरा लेता हूँ 22,700-600 का ले लेता हूँ, सी ही लिया है, और अब क्या हम इसे सेल करते हैं। ये मैंने सेल किया है सेम नॉर्मल में, मैंने इसे ऐड कर दिया है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो रिक्वायर्ड मार्जिन है ये इतना है, और जो फाइनल मार्जिन आपका ये इतना है, जो कि फाइनल मार्जिन कम है 13,242 और रुकायड है 25,316। अगर मैं इसे इनका जो सीरियल है, मैंने पहले ऊपर बाय रखा फिर सेल किया है, अब मैंने चेंज कर देता हूँ, मैं सेल ऊपर कर देता हूँ, बाय नीचे करता हूँ, तो मैं इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ और ऊपर की तरफ कर देता हूँ, तो उससे चेंज हो गया है। अभी देखिए हमारा रुकायड मार्जिन 130,936 रुपये, यहाँ आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, ये ऑप्शन सेलिंग में आपको देना पड़ता है, और आपका फाइनल मार्जिन आपको उतना ही दिखा रहा है 13,242। तो दोस्तों ये आपकी चीज़ है कि आप, और ये इसमें क्या है, ये आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है और ये आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए रुकायट चाहिए होता है। तो अगर आप इनका CL चेंज कर देंगे, जैसे मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ,
तो आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। इसमें आपको ये बेनिफिट है, अगर आप बास्केट ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो मार्जिन है जीरोधा में वो आप कम यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास कम मार्जिन है तब भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है बास्केट वाला। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।